हिमाचल में 10,000 मेधावियों को 20 सितंबर के बाद मिलेंगे स्मार्ट मोबाइल फोन। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले 10,000 मेधावियों को 20 सितंबर के बाद स्मार्ट मोबाइल फोन मिलेंगे। जैम पोर्टल के माध्यम से शिक्षा विभाग ने खरीद प्रक्रिया शुरू कर ली है। चयनित कंपनी ने जिलों में मोबाइल फोन की सप्लाई पहुंचाना भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का फोटो और संदेश फोन पर इंस्टॉल करने के बाद इसका वितरण शुरू होगा। मेधावियों को 11,450 रुपए की कीमत वाले स्मार्ट मोबाइल फोन दिए जाएंगे। सरकार ने मेधावियों को सैमसंग गैलेक्सी M12 मॉडल के स्मार्ट मोबाइल फोन देने का फैसला लिया है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्यूल सिम वाले 64 GB के इंटरनल स्टोरेज और ऑक्टा कोर प्रोसेसिंग 2.0 के ये फोन होंगे। हिमाचल में उगेंगे सिंदूर के पौधे, किसान कर सकेंगे लाखों की कमाई। हिमाचल प्रदेश में भी अब सिंदूर के पौधे उगाकर यहां के किसान लाखों रुपए कमा सकेंगे। साउथ अमेरिका में होने वाले सिंदूर के बिक्सा और एलेना पौधे के कुछ बीज महाराष्ट्र से लाए गए थे, जिनका हमीरपुर जिले के हर्बल गार्डन नेरी में अंकुरण प्रक्रिया का ट्रायल किया गया, जो कि सफल रहा। इस पौधे के लिए उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु उपयुक्त पाई गई है। सिंदूर के पौधे का एक औषधीय महत्व है, जिसका वानस्पतिक नाम बिक्सा और एलेना है। कई लोग इसे सिंदूरी कपिला नाम से भी जानते हैं। सुहागिन महिलाओं और पूजा पाठ में सिंदूर का विशेष महत्व है। डिजिटल लॉकर की सुविधा से लैस हुआ हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सैकड़ों छात्र बैंकों की तरह अपने सर्टिफिकेट डिजिटल लॉकर में रख सकेंगे। डिजिटल लॉकर में रखे दस्तावेजों को छात्र दुनिया में कहीं भी बैठकर एक क्लिक पर देख सकेगा। साथ ही दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करवाने के लिए छात्र को बोर्ड कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रिश्ते हुए तार मुखबाधिन नाबालिग पोती से दादा ने किया दुष्कर्म। दादा द्वारा अपनी मुखबाधिन नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। भोरंज पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक मुखबाधिन नाबालिग जो कि उपमंडल भोरंज के गांव से संबंधित है तथा सुंदरनगर के एक निजी स्कूल में पढ़ती है, अगस्त माह में वह स्कूल में छुट्टियां होने पर अपने घर आई थी और 17 अगस्त को छुट्टियां खत्म होने पर अपने स्कूल सुंदरनगर वापस चली गई थी। स्कूल जाकर लड़की ने अपने अध्यापक को इसके बारे में जानकारी दी। स्कूल के प्रधानाचार्य ने पुलिस थाना सुंदरनगर में शिकायत दर्ज करवाई है कि घर में छुट्टियों के दौरान उसके दादा ने उसके साथ गलत काम किया है।